हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज जो मैं न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ वो है डिजाइन ऑफ की के ऊपर। इससे पहले मैं की के रिलेटेड 3 वीडियो समथिंग डाल चुका हूँ, जिसमें की की एक में की एडवांटेज की क्या होती है और की भी क्या होता है उसमें समझाया। दूसरे वीडियो में मैंने जो टाइप्स ऑफ की हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं, उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया। थर्ड में मैंने जो डिजाइन ऑफ की के ऊपर जो फॉर्मूले जनरेट होते हैं, शेयरिंग फेलर और क्रशिंग फेलर, जो टॉर्क का फॉर्मूला निकलता है, वो दोनों ही मैंने समझाया अच्छी तरह कि किस तरह अपन टॉर्क का फॉर्मूला निकालते हैं। तो आप इसकी जो हमारी डायरेक्ट लिंक देखना है, तो आपको हमारा जो जहाँ टॉपिक लिखा होगा न्यूमेरिकल ऑन डिजाइन ऑफ की, उसके जस्ट बगल में उल्टा एरो होगा, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं, हमारी लिंक मिल जाएगी वहां से क्लिक करके। या फिर हमारी प्लेलिस्ट बनी है मशीन डिजाइन के नाम से, जिसमें और भी डिफरेंट टाइप के मशीन डिजाइन के जो मैंने पढ़ाए हुए हैं अभी तक, क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट है या उसके ऊपर न्यूमेरिकल है, वो भी मिल जाएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो कि डिजाइन ऑफ की क्या होती है। की तो हम समझा चुके हैं आपको, लेकिन आज न्यूमेरिकल डायरेक्ट लेकर, न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ डायरेक्ट अपन उस मूव करते हैं। इसकी न्यूमेरिकल लिखा हुआ है डिजाइन और रेक्टेंगुलर की। रेक्टेंगुलर की को डिजाइन करना फॉर अ शाफ्ट ऑफ 50 mm डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना दिया 50 mm। द शियरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेस आर 42 MPa एंड 72 MPa। हम जानते हैं, सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, हम टॉपिक क्या देखते हैं कि किसकी डिजाइन करना। तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले जो निगाह जाएगी वो रेक्टेंगुलर की डिजाइन करना। इसके बाद सीधा लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो जैसा मैं डायमीटर शाफ्ट को स्मॉल डी से डिनोटेट करते हैं 50 mm दिया है, शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोटेट करते हैं 42 MPa दिया है, मेगापास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में अगर चेंज करना तो जो वैल्यू दी है मेगापास्कल में वही जाएगी। इस तरह क्रशिंग स्ट्रेस दिया है 70 MPa, इसको अगर डायरेक्ट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आपको चेंज करना है तो डायरेक्ट 70 N/mm² हो जाएगा जितनी वैल्यू दी है। अब सबसे इसमें जैसे मैं की को बता चुका हूं, इसमें टू टाइप्स के फेलर होते हैं, शेयरिंग फेलर और क्रशिंग फेलर। शेयरिंग फेलर क्या होता है, टेंसाइल फोर्स दोनों तरफ से लगता है, क्योंकि ये रोटेशन मतलब मूव करते हैं दोनों जो हब और शाफ्ट होते हैं मूव करते हैं, उसके कारण टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है। टेंसाइल फोर्स के कारण क्या होता है, इसमें शेयरिंग दोनों ही मटेरियल से मटेरियल कॉन्टेक्ट करते हैं, दोनों ही क्या रहते हैं फ्रिक्शन के रूप में एकदम कॉन्टेक्ट फिक्स रहते हैं हब और शाफ्ट की के द्वारा, उससे क्या शेयरिंग फेल होने के चांस रहते हैं। इसी तरह क्या होता है, जब मेटल टू मेटल दोनों ही रविंग होते हैं तो क्या रहते हैं, दोनों पाउडर रूप में, मटेरियल वीक है या फिर कोई क्रैक वगैरह, तो क्या होता है रविंग होने, पाउडर रूप में जाने के चांस रहते हैं, क्योंकि मेटल टू मेटल टकराते हैं तो वहां पर क्रशिंग फेलर होने के चांस रहते हैं। तो हम इसको न्यूमेरिकल को सबसे पहले ध्यान करने के लिए सबसे पहले शेयरिंग फेलर पे ध्यान करेंगे, फिर इसके बाद क्रशिंग फेलर। तो सबसे पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं कि रेक्टेंगुलर की कैसी होती है। तो रेक्टेंगुलर की कैसी होती है, मैं आपको एक डायग्राम सबसे पहले बना देता हूँ। ये हमारा हब हो गई, आपके अंदर क्या है, ये हमारी क्या हो गई, की हो गई। रेक्टेंगुलर की क्या होता है, इसका आधा पार्ट हब के अंदर रहता है, आधा पार्ट शाफ्ट के अंदर रहता है। तो क्या होगा, ये हमारे बाहर का भाग है, वो जो हम एचिंग कर रहे हैं, जो बाहर का भाग है उसको बोलते हैं हम शाफ्ट, सॉरी हब। ये जो इसमें एचिंग कर रहा है वो होती है हब। तो अंदर का जो पार्ट रहता है वो रहती है शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है ये इस तरह मूव करते हैं, यहां से ऐसे मूव करेंगे, ये ऐसे मूव करेंगे। अब इसमें क्या रहती है, यहां पर टेंसाइल फोर्स ऐसा लगेगा, यहां पर इधर से लगता है, इस तरह मैं दिखा देता हूं, इस तरह हम बात कर रहे हैं, इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर इस तरह जाने, यहाँ पर लगेगा टेंसर फोर्स और यहाँ पर, इसके कारण क्या होता है सियरिंग होने के चांस रहते हैं। एफ टी टेंसर फोर्स, तो यहाँ पर क्या रहते हैं इस तरह, यहाँ पर क्या रहते हैं ऐसे ब्रेक होने के चांस रहते हैं यहाँ से। इसके कारण क्या रहता है, जो इसका एरिया होगा क्या होता है, यहां से चांस रहते हैं किसके, ब्रेक होने के। अब हमें क्या चाहिए, टॉर्क निकालना है। अब ब्रेक होने के चांस है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क टी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का, डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाएं डिजाइन करने, तो हमने लिंक दी उसमें देख लिया, तो इसलिए मैं वैसे यहां समझाने वाला था, लेकिन आप समझ सकते हैं जो मैंने कैसे फॉलो था वो समझा दिया। शियरिंग है ना, यहां से टूटता है तो ये इस तरह का कुछ पार्ट निकलता है, ये होती इसकी एल, ये होती विड्थ। ईज इक्वल टू जो होता है एल इंटू विड्थ, ठीक है।
अब हम एल और डब्ल्यू की यहां पर फॉर्मूला देख रहे हैं, टी इक्वल टू टाउ इंटू एल इंटू डब्ल्यू इंटू डी बाई टू ए। अब डी तो यहाँ गिवन है, लेकिन यहां पर एल और डब्ल्यू गिवन नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन डाटा का यूज करते हैं। डिजाइन डाटा से कैसे यूज करेंगे, जो डायमीटर दी रहता है शाफ्ट का, उस डाटा से हम क्या करते हैं, एल की और डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर हम एल की और डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, डेंजर हम एक बार दिखाएंगे आपको टेबल के किस तरह की टेबल होती है और कैसे निकालते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। तो आपको ये सामने दिख रही है इस तरह की कुछ टेबल होती है, जिसमें जो मेरा डायमीटर दिया है वो देखो A50 दिया है, A50 दिख रहा है, 50 डायमीटर दिया है। तो हम A width देखिए, की क्रॉस सेक्शन, की का क्रॉस सेक्शन है, देखिए यहाँ W width को W से डिनोटेट करते हैं, थिकनेस को D से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। तो आप देखें 50 दिख रहा है, 50 डायमीटर दिया था, इसके आगे देखो 16 लिखा हुआ, 16। तो यहाँ पर W क्या हो जाएगा, विड्थ क्या हो जाएगी, 16। थिकनेस ये हमें टी, थिकनेस टी को डिनोटेट करते हैं, तो इसके 16 के सामने क्या 10 है, देखो 10 मतलब 50 के सामने 16 डब्ल्यू हो गया, तो 10 क्या होगा, टी हो गया। तो हमने दोनों वैल्यू देख ली डिजाइन डाटा बुक से, जो कि आपको एग्जाम में अलाउ रहती है, वहां से डायरेक्ट वैल्यू नोट कर लेंगे जो डायमीटर दिया उसके ऊपर। तो 16 हो गया यहाँ पर डब्ल्यू, और टी क्या होगा, 10 हो गया। तो यहां पर हमने, सॉरी ये टी है, तो यहां पर हमने एक टी इक्वल टू कितना है, 10 mm, तो मैंने ऊपर आपको दिखाया था अभी। ये क्या था, 16 mm, ये हमने डिजाइन डाटा से बुक से ले लिया। अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो कुछ तो वैल्यू गिवन है ऑलरेडी इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला मैंने कैसे जनरेट होता है ऑलरेडी बताया हुआ है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिजाइन ऑफ की के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सॉरी डिजाइन डाटा डिजाइन ऑफ की के नाम से एक लिंक दी गई, वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। हम इससे जस्ट पहले मैंने वीडियो डाला है, उसको आप जरूर देखें। टाउ की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 42 इंटू एल की वैल्यू कुछ नहीं दी, तो एल की जगह हम एल ही लिख देंगे। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी, 16 दी है, इंटू डी कितना दिया है, 50 बटे 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो टी इक्वल टू क्या आएगा मेरा, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो टी इक्वल टू आएगा 16, मतलब इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 16800 इंटू एल, न्यूटन mm, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन mm। तो फिर क्या होगा, 16800 ए वैल्यू, अगर इसको कैलकुलेट करें तो एक क्वेश्चन हम इसको वन मान लेते हैं। अब हम जानते हैं टॉर्क ट्रांसफर बाय द शाफ्ट, ए तो की के लिए निकाल लिया हमने। अब शाफ्ट के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसफर होता है वो टी इक्वल टू क्या होता है, टाउ, टाउ की वैल्यू हमने दी है 42, जो कि कुछ न्यूमेरिकल में गिवन है, इनटू पाई बाय 16 इनटू डी क्यू, डी कितना दिया, 50 50 का क्यू। अगर इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे टी इक्वल टू आएगा, जो वैल्यू आएगी बुलावा आई 1.03 इंटू 1.03 इंटू 10 की पावर 6, इस तरह कुछ वैल्यू आ जाएगी न्यूटन mm। तो इक्वेशन टू, अगर हम इक्वेशन वन और दोनों को इक्वल कर लें, मतलब टी की वैल्यू जो यहां पर लिखी हुई है इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि टी के बराबर ए भी दिया है और टी के बराबर ए भी दिया है, दोनों को इक्वल कर दें, या फिर हम इसको वैल्यू को डायरेक्ट रखें, ये टी की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, तो भी हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, दोनों ही बात है कि टी इक्वल टू हमारे पास ऊपर इक्वेशन वन में क्या दिया है, 1600 इंटू एल,
टी की जगह में कितना निकाल कितना रखना है, 1.03 10^6 इक्वल 1680 इंटू एल। अब एल इजकल टू अगर निकालना तो क्या करेंगे, एल इजकल टू हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये जस्ट नीचे लाएगी क्योंकि ये एल के इंटू में है, तो 1.03 10^6 अपॉन 1680। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 61.31। कितना आएगा, 61.31। लेंथ की यूनिट क्या होती है, एमएम। इस तरह हमारा एल कैलकुलेट कर देंगे 61.31। अब हम निकालते हैं क्रशिंग फेलर के लिए, दोनों में याद रखते हैं इसमें भी एल निकाला है क्योंकि हमारे पास टी दी है डब्ल्यू दी है। अब हमें एल इसके लिए निकालना है जिसमें से सबसे ज्यादा जो एल की वैल्यू होती है उसको हम कंसिडर करते हैं। ये जो दिख रहा है टी इजकल टू, जी यहां पर देखें इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं, टी इजकल टू था सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेन इंटू एल, लेंथ होती डब्ल्यू विड्थ होती टी थिकनेस होती बाई टू इंटू डी बाई टू। इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं क्रशिंग फेरर के लिए, तो हम टी इजकल टू हम डायरेक्ट यहां पर आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। टी इजकल टू जो वैल्यू दी है ऊपर तो कितनी दी है, 70 यहां पर दी है। इंटू एल, एल हमारे पास अभी अपन निकाले, इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू हमने जो डिजाइन डाटा बुक से कितनी ली है, 16, नहीं सॉरी हाँ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी ली है, 16। फॉर्मूला यहाँ पर गलत लग रहा है मुझे कुछ, ये डब्ल्यू था एक्स्ट्रा टाइप हो गया था उसमें मैं हटा दिया फॉर्मूला, डब्ल्यू क्या ऊपर के फॉर्मूला रहता है नीचे के हम थिकनेस रहती है। तो अब हम यहाँ पर टी की वैल्यू लिखेंगे, टी की वैल्यू जो ऊपर से निकाली थी कितनी निकाली थी हमने, 10। ठीक है, तो अब टी के लिए हमने यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम था यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम था, जब टी के लिए हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके टी इक्वल टू 1.03 × 10^6, इस वैल्यू को डायरेक्ट हम इस इक्वेशन जो 1 बनाई हुई मैंने टोटल कांस्टेंट ऑफ द की क्रशिंग फेलर के लिए उसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं, उससे हमारा क्या होगा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो टी इक्वल टू जो है यहाँ पर टी इक्वल टू जो वैल्यू है क्या है, 8750 इंटू एल, टी की वैल्यू कितनी है, 1.03 × 10^6 पॉइंट इंटू 10^6 इक्वल 8750 इंटू एल। अब एल निकालेंगे अपन, एल एल निकालेंगे तो ये जो वैल्यू है उसके नीचे पहुंच जाएगी, एल इजकल टू जो हो गया है 1.03 × 10^6 बटे वैल्यू 8750 अगर इसको अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो समथिंग आएगी मेरी 117.7 समथिंग आएगी, ऐसा 120 समथिंग मान लेते हैं एमएम समथिंग, डिजाइन में तक एल इजकल टू ए आ गया। और डिजाइन और की करने किसी की को डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, एल की जरूरत पड़ती है। अब दोनों में से वैल्यू जिसमें एल की ज्यादा हो उसको मान लेंगे, यहाँ पर है जो एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखेंगे जो एल की वैल्यू कितनी है 61,
और यहाँ पर कितनी 120, तो हमारी जो एल की वैल्यू कितनी मानेंगे 120 मानेंगे। तो हमारी एल की वैल्यू ये हो गई है, डब्ल्यू की वैल्यू ये हो गई, टी की वैल्यू हो गई। इस तरह हमारा क्या हुआ, की को डिजाइन हो गए। तो पूरे फॉर्मूले से फ्रेंड समझ में आया होगा, लेकिन फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा ये आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें जिसमें की को डिजाइन किया हो। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी पे बेस लेके रहूंगा मैं।